हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा रूबिक क्यूब है। इसे हम कितना भी नंबर कर ले, उछाल के, ट्विस्ट करके, कैसे भी करके, हम इसको जितना भी ट्विस्ट कर ले, इसको हम एक ही पैटर्न में ला सकते हैं। हम इसे कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक पैटर्न में सही ढंग से ला सकते हैं। इसके लिए 7 बेसिक स्टेप्स है, जो स्टेप्स हम 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, उसमें हमें यहाँ पर प्लस सिम्बॉल बनाना होता है। तो यहाँ पर ब्लू कलर है, तो ये ब्लू लाइन बननी चाहिए और ये भी ब्लू लाइन सेंटर में बननी चाहिए। ये ब्लू लाइन बननी चाहिए, ये भी बननी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अगर ये ब्लू कलर आता है तो इसके पीछे, यानी कि यहाँ पर कलर जो है वो ये सेंटर पीस वाला आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अभी येल्लो है तो ये वाइट आना चाहिए, ये जो सेंटर में वाइट है वो यहाँ पर आना चाहिए। फिर हम यहाँ पर ब्लू लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर तो ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर हमें वाइट कलर चाहिए। यहाँ इसी तरह यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे हमें कौन सा कलर चाहिए, तो ये येल्लो कलर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर येल्लो कलर आना चाहिए, ये सेंटर वाला। इसी तरह यहाँ पर ये ब्लू आए, यहाँ पर ये ब्लू कलर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये रेड कलर आना चाहिए। ये जो सेंटर में जो कलर है वो कलर यहाँ पर भी आना चाहिए और बीच में ये ब्लू कलर का पट्टा बनना चाहिए। आप किसी भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें अभी यहाँ पर दो कलर मिले हैं, ये ब्लू, तो यहाँ पर भी हम ब्लू ला देंगे, लेकिन पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू है इसके साथ ये कौन सा है, येल्लो कलर है, तो हम येल्लो सेंटर पीस यहाँ पर ले आते हैं। तो ये येल्लो येल्लो हो गया, ये ब्लू ब्लू हो गया। इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। पहले हम ब्लू कलर सेट करने वाले हैं, तो ब्लू कलर को हम ऊपर की तरफ रखते हैं। यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन के लिए एक ब्लू कलर चाहिए, जबकि यहाँ पर कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ पर ये वाइट कलर आना चाहिए। तो ब्लू और वाइट जो है उसे हमें यहाँ पर सेट करना है। तो ब्लू और वाइट दो कलर वाला पीस, ब्लू और वाइट कहाँ पर है उसे हमें सबसे पहले ढूंढना होता है। तो यहाँ पर ये ब्लू है और ये वाइट है, तो इस पीस को हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। जैसे यहाँ पर ये ब्लू आ जाएगा और यहाँ पर ये वाइट आ जाएगा, तो इस जगह पर ब्लू एंड वाइट वाले पीस को, यानी कि इस पीस को रखना है। तो इस पीस को सबसे पहले हम नीचे ले आएंगे ऐसे, और इसको हम ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर ब्लू है तो ये ब्लू को हमें ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया और इसके साथ ये वाइट भी आ गया, तो ये वाइट मैच हो गया, ये ब्लू की पट्टी हो गई और इस तरफ ये येल्लो भी मैच हो गया। अभी हमारी ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी लाइन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें ब्लू कलर चाहिए, यहाँ पर ब्लू कलर चाहिए, लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आना चाहिए, क्योंकि सेंटर में ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर ऑरेंज होना चाहिए और यहाँ पर ब्लू कलर होना चाहिए। तो ब्लू और ऑरेंज वाला पीस कहाँ पर है उसे हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले। तो ब्लू और ऑरेंज वाला पीस हम इसमें से फाइंड करेंगे। तो ब्लू और ऑरेंज वाला पीस हमें कहाँ पर दिखाई देता है वो हमें देखना है सबसे पहले। तो ब्लू और ऑरेंज देखिए, यहाँ पर ये ब्लू तो कंप्लीट हो गया है। अभी ब्लू और ऑरेंज वाला पीस कहाँ पर है, ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज है और ब्लू है। तो ये ब्लू और ऑरेंज वाला जो पीस है इसे हमें कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, ये ऑरेंज और यहाँ पर ब्लू, तो इस पीस को लाना है। तो इस पीस के लिए हम क्या करेंगे, इस पीस को सबसे पहले नीचे ले लेंगे ब्लू और ऑरेंज वाले को, और उसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे यहाँ पर। अभी ये जो ब्लू है इसको यहाँ पर लाना है और ये जो ऑरेंज है उसको यहाँ पर लाना है। तो इसे हम अगर ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऑरेंज आना चाहिए यहाँ पर तो ये ब्लू आ गया, और यहाँ पर ब्लू आना चाहिए तो ये ऑरेंज आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पर ले लेंगे ऐसे, और इस पीस को पहले यहाँ पर ले आएंगे। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए बीच वाले को हमें ऐसे घुमाना होता है, सिर्फ बीच वाले को घुमाना है, लेकिन हम यहाँ पर दो घुमाते हैं तो इसको वापस से हम क्लॉकवाइज मूव कर देंगे और फिर हम इसको घुमा देंगे, तो ये ब्लू वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा। इससे जो हमारा सेंटर वाला बिगड़ा था उसे हम वापस ट्विस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ऑरेंज भी मैच हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्लू भी मैच हो जाएगा, और ये पहले वाली जो लाइन है वो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ये वाइट। तो ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक, और दूसरी पट्टी में हमारा ये ऑरेंज वाला आ गया और ये ब्लू पट्टी में यहाँ पर ब्लू कलर बाकी है, तो यहाँ पर ब्लू आना चाहिए
और यहाँ पर रेड आना चाहिए, यहाँ पर रेड आना चाहिए। तो ये ब्लू और रेड वाला पीस तो हमारा यहीं पर है, इसे हमें ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट कैसे करेंगे, वापस इसे ऐसे ले जाएंगे, साइड पर ले जाएंगे और इसको हमें यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, यानी इसको बीच वाले को यहाँ पर घुमाना है। लेकिन हमने तो ये दो लेयर्स घुमा दिए, तो ये लेयर को वापस ऐसे कर देंगे और ये ब्लू लेयर यहाँ पर आ गया, तो इसे हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और बीच वाला जो हमारा खराब हुआ है इसे हम ऐसे वापस ट्विस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये रेड कलर मैच हो गया, यहाँ पर ये ब्लू की पट्टी हो गई, यहाँ पर ये ऑरेंज भी आ गया और इस तरह से देखे तो यहाँ पर ये वाइट भी आ गया, यहाँ पर ये ब्लू पट्टी आ गई और यहाँ पर ये येलो आ गया। तो ये हमारा प्लस का सिंबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लस के सिंबल के साथ साथ ये साइड वाले कलर्स भी सेंटर में मैच हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर पीसेस है उनका कलर मैच करना है। तो उसे हम कैसे मैच करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर में हमें देखना है, सपोज कि यहाँ पर ब्लू कलर है तो यहाँ पर ये ब्लू आना चाहिए, इसके बाद में यहाँ पर येलो कलर है तो यहाँ पर ये येलो आना चाहिए और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर है तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, ये ब्लू आएगा, यहाँ पर येलो आएगा और यहाँ पर ये ऑरेंज आएगा। तो ब्लू, येलो और ऑरेंज, ये तीन कलर वाला पीस कहाँ पर है वो हमें फाइंड करना होता है। तो ब्लू, ऑरेंज और यहाँ पर ब्लू, येलो और ऑरेंज हम देखते हैं, ब्लू, ब्लू कलर, येलो और ऑरेंज, ये तीन कलर के बीच में हमें यहाँ रखना है। तो यहाँ पर ब्लू आएगा, यहाँ पर येलो आएगा, यहाँ पर ऑरेंज आएगा। तो ब्लू, येलो और ऑरेंज इसमें कहाँ पर है उसे हम फाइंड करते हैं। तो ब्लू, येलो और ऑरेंज, ब्लू, येलो और रेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्लू कलर वाला दूसरा यहाँ पर है, तो ये ब्लू है, ये ऑरेंज है और ये वाइट है। ब्लू, ऑरेंज और वाइट, ओके चलो हम इसे यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर ऑरेंज है। तो ब्लू, ऑरेंज और वाइट, यहाँ पर ब्लू, ऑरेंज और वाइट को पहले सेट कर देते हैं। ये यहाँ पर आ गया है ब्लू, ब्लू, ऑरेंज और वाइट। तो यहाँ पर ये पीस रखना है, तो दो बार एंटी क्लॉक वाइज हम ऐसे घुमाएंगे और दो बार ऐसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे। जब तक यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आ जाए तब तक ऐसा करता रहना, ऐसे करते रहना है, दो बार एंटी क्लॉक वाइज, दो बार क्लॉक वाइज। यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया, साथ साथ यहाँ पर ये मैच हुआ है कि नहीं वो भी देखना है। तो यहाँ पर ये मैच नहीं हुआ तो ये वो पीस नहीं है। ऐसे दो बार एंटी क्लॉक वाइज, दो बार क्लॉक वाइज, दो बार एंटी क्लॉक वाइज, दो बार क्लॉक वाइज, दो बार एंटी क्लॉक वाइज, दो बार क्लॉक वाइज। अभी देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आ गया और यहाँ पर ये वाइट कलर आ गया। तो एक पीस हमारा सेट हो गया। अभी यहाँ पर दूसरा पीस सेट करना है, तो यहाँ पर ब्लू कलर है तो यहाँ पर ब्लू आना चाहिए, यहाँ पर ऑरेंज है तो यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए, येलो है तो येलो आना चाहिए, यहाँ पर ऑरेंज है तो यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए। ये ब्लू, येलो और ऑरेंज, ये तीन कलर वाला पीस हमें यहाँ पर चाहिए। तो ब्लू, येलो और ऑरेंज वाला पीस कहाँ पर है इसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर है ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो इस पीस को हमें यहाँ पर रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर रखना है इस पीस को, तो इस पीस को पहले यहाँ पर रखना है, इसलिए इसके नीचे ले आएंगे, जहाँ पर रखना होता है उसके नीचे लाना है हमें उस पीस को। तो ब्लू, ऑरेंज और रेड वाला, ब्लू, येलो और ऑरेंज वाला पीस यहाँ पर है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं ऐसे घुमा के। लेकिन इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो बीच वाला पीस घूम जाएगा, तो उसे हम प्ले जैसा वापस बना लेंगे। यहाँ पर ये प्लस ऐसे ही रहना चाहिए। अभी ये कलर जो है हमारा नीचे आ गया, इसको हमें यहाँ पर रखना है, ऑरेंज, ब्लू और येलो वाले को। यहाँ पर ऑरेंज है तो ये ऑरेंज है, ये येलो है तो ये येलो है, यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू है। ये तीन कलर के पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गई है, तो इसको हमें यहाँ पर लाना है ऊपर। तो इसके लिए दो बार एंटी क्लॉक वाइज हम इसे ऐसे घुमाएंगे और दो बार क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो ये हमारा आ गया है ब्लू कलर, यहाँ पर येलो भी आ गया है और यहाँ पर ऑरेंज भी आ गया है। अभी इस पीस को सेट करना है, तो यहाँ पर ब्लू कलर हमें चाहिए, यहाँ पर रेड कलर चाहिए और यहाँ पर येलो कलर चाहिए। तो ब्लू, रेड और येलो कलर कहाँ पर है इसे हम इसमें से फाइंड करते हैं। तो हमें ये एक पीस मिला है ब्लू, रेड और वाइट,
ब्लू रेड और व्हाइट कहाँ पर है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर व्हाइट है। तो ये पीस हमें यहाँ पर मिला है, तो इस पीस को हमें यहाँ पर रखना है। तो दो बार सेम प्रोसीजर करनी है, एंटी क्लॉकवाइज दो बार और दो बार क्लॉकवाइज। तो ये पीस भी हमारा आ गया है, यहाँ पर ब्लू मैच हो गया, ये व्हाइट मैच हो गया, ये रेड मैच हो गया। अभी एक ही पीस बाकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर चाहिए, यहाँ पर ये रेड कलर चाहिए और यहाँ पर ये येलो कलर चाहिए। तो ब्लू रेड और येलो, ये कलर वाला पीस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर रखना है इसलिए इसके नीचे इस पीस को ले आते हैं। बाद में सेम प्रोसीजर करनी है, दो बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है और दो बार क्लॉकवाइज साइड पर से और नीचे से। फिर से यहाँ पर अभी नहीं आया तो फिर से यही प्रोसीजर करनी है, दो बार एंटी क्लॉकवाइज, दो बार क्लॉकवाइज, फिर से दो बार एंटी क्लॉकवाइज और दो बार क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ब्लू लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ में हमारा ये जो है ये भी एक लाइन में सब आ चुका है और इसके साथ साथ ये जो सेंटर पीस है इसका कलर भी मैच हो रहा है, ये सेंटर वाला कलर भी मैच हो गया। ये हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड स्टेज करने के लिए हमें इसको पूरा उल्टा करना होता है और उल्टा करने के बाद हमें ये जो सेकंड लेयर है ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये सेकंड लेयर को कंप्लीट कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप सेकंड स्टेज को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।